हेलो फ्रेंड्स, ऑसम रेसिपी में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आलू गोभी की सब्ज़ी तो आपने बहुत तरह की ट्राई की होगी। आप एक बार इस तरह आलू गोभी की रेसिपी को ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएगी। तो चलिए आज की मज़ेदार आलू गोभी की रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। आलू और गोभी की सब्ज़ी के लिए यहाँ पर मैंने 500 ग्राम गोभी और 5 से 6 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं। आलू का छिलका ऊपर से मैंने छील लिया है और आलू गोभी को काट लिया है। आलू गोभी को काटने के बाद इसे साफ़ पानी से धो लिए हैं। गैस ऑन करके यहाँ पर कढ़ाई गर्म होने के लिए चढ़ा देंगे। जब कढ़ाई गर्म हो जाएगा तो हम उसमें 4 से 5 चम्मच सरसों का तेल डालेंगे। आप किसी भी ऑयल में सब्ज़ी बना सकते हैं। सरसों के ऑयल में सब्ज़ी टेस्टी और अच्छी बनती है, तो इसीलिए मैंने सरसों के तेल का ही यूज किया है। आलू गोभी को इसी तरह चलाते हुए हम 10 से 12 मिनट तक हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करने से सब्ज़ी जो है अच्छी और स्वादिष्ट बनती है। दस से बारह मिनट हो गया है तो आलू गोभी हल्का गोल्डन ब्राउन हो गया है, तो हम इसे एक पतीले में निकाल लेंगे। अब हम कढ़ाई में थोड़ा सा तेल और लेंगे और हम इसमें 1/2 चम्मच खड़ा जीरा, 1 सूखी लाल मिर्च और 2 तेज़पत्ता डालेंगे। जब फ़ौरन चटक जाए तो हम इसमें कटे हुए प्याज डालेंगे। यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए और उसे लच्छे में काट लिया है। और प्याज को हम 5 से 7 मिनट तक हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएंगे। प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुका है तो हम सारे सूखे मसाले डालेंगे। यहाँ पे मैंने 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, साथ ही थोड़ा पानी भी डालेंगे ताकि मसाला नीचे तले में ना लगे। मसाले को अच्छी तरह से चलाएंगे। साथ ही यहाँ पर 1/2 चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला डालेंगे, 1 चम्मच पिसा हुआ अदरक लहसुन का पेस्ट और 1 चम्मच नमक डालेंगे। आप नमक अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, आपको जैसा भी पसंद हो। और मसाले को अच्छी तरह से चलाएंगे। साथ ही यहाँ पर 2 कटे हुए मीडियम साइज़ के टमाटर डालेंगे। गैस का फ्लेम धीमी कर देंगे ताकि प्याज और टमाटर जो है अच्छी तरह से गल जाए और मसाला भी जो है अच्छी तरह से भुन जाए। तो मसाले को इसी तरह बीच बीच में चलाते हुए हम 8 से 10 मिनट तक भुनेंगे, ताकि जब तक मसाले में से तेल अलग ना हो जाए। तो यहाँ पे 8 से 10 मिनट हो गया और मसाला अच्छी तरह से भुन गया है, तो हम इसमें फ्राई किए हुए आलू गोभी को डाल देंगे और चलाएंगे।
आलू गोभी को अच्छी तरह से चलाने के बाद हम इसे 5 मिनट के लिए ढक के पकाएंगे, क्योंकि आलू और गोभी जो है वो आधा ही पका हुआ है। तो 5 मिनट के बाद हम देखेंगे कि आलू और गोभी पकी है या नहीं। तो यहाँ पे आलू और गोभी जो है वो अभी नहीं पका है, तो हम इसे दोबारा फिर से 5 मिनट के लिए और ढक करके पकाएंगे। तो 5 मिनट के बाद हम दोबारा से चेक करेंगे कि आलू और गोभी पका है या नहीं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आलू और गोभी जो है वो पक गया है, तो हम इसे अब नहीं ढकेंगे और इसी तरह 5 मिनट धीमी आंच पे मसाले में आलू और गोभी को और भुनेंगे। इससे जो है सब्ज़ी टेस्टी बनेगी। तो 5 मिनट भुनने के बाद आलू और गोभी जो है वो भी पक गया है और मसाला भी अच्छी तरह से भुन गया है, तो हम इसमें पानी डालेंगे। पानी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो, आपको जैसी भी ग्रेवी पसंद हो। यहाँ पर मैंने 1 गिलास पानी डाला है। अगर आपको मेरी यह आलू गोभी की रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और नीचे कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको यह आलू गोभी की रेसिपी कैसी लगी है। तो यहाँ पे सब्ज़ी बनकर तैयार है।